हाय एंड हेलो एवरीवन। तो आप बच्चों का डाउट ये है कि सर सिम्स बिलासपुर में जो एक सीट खाली थी वो अभी क्यों अलॉट नहीं की गई है। तो इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि देखिए, अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट में बहुत सारे केस कर चल रहे हैं, लेकिन जो भी केस चल रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लोग लेके चल रहे हैं, चाहे वो हमारे वो 7 बच्चों का केस हो, चाहे हमारी EWS सीट्स के बारे में हो, या जो भी हो, वो सभी केस जो हमारे हैं दे आर रिलेटेड विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओनली। ठीक है, तो अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने अभी क्या किया, प्राइवेट और गवर्नमेंट डेंटल का आपको लिस्ट दे दिया, इनमें मतलब अलॉटमेंट कर दिया, जिससे कम से कम एटलीस्ट इनकी जो काउंसलिंग है वो ये कंप्लीट करवाना चाहते हैं। ठीक है, कि इसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो भी होगा वो सब कुछ ऑफलाइन मोड में होगा, जो हमारा लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा उसमें ही होगा सब कुछ, जो भी होना होगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए ये लोग अभी गवर्नमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केस हमारे हाई कोर्ट बिलासपुर में पेंडिंग है, इसलिए ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बात समझो इस चीज को। अगर एक गवर्नमेंट के अगर वो सीट दे देती फिर केस होते, ये होते वो होते, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट का अलॉटमेंट ही नहीं कर रहे। अभी वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो भी सीट्स हैं, वो एक सीट हो चाहे वो EWS की सीट्स आएंगी कि नहीं आएंगी अभी क्लियर नहीं है, जो भी होगा गवर्नमेंट का ये लोग क्या करेंगे ना, गवर्नमेंट के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग ही कंडक्ट कराएंगे। तो वो सीट आप डरो मत, वो कहीं नहीं गई है, वो आपको मिलेगी। अब ये लास्ट राउंड नहीं है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे 53 मैनेजमेंट कोटा वालों बच्चों को मिला है, तो जरूरी थोड़ी ना कि 53 आके एडमिशन ले लेंगे, या अभी जो गवर्नमेंट कोटा से जिन बच्चों को मिला है प्राइवेट कॉलेज, जरूरी थोड़ी वो सब जाके एडमिशन ले लेंगे, तो इसमें से भी सीट्स वैकेंट रहेंगी, तो उसके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, इसकी होगी और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की भी कराएंगे। ये देखो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही है, 99% आई एम श्योर कि ये बात ऐसे ही है। ये लोग गवर्नमेंट पे इसलिए लोगों ने अलॉटमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि जो भी केसेस चल रहे थे आर रिलेटेड विद द गवर्नमेंट कॉलेज ओनली ना, अगर वो उसका नहीं करते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो गवर्नमेंट डेंटल में हमारा कोई केस नहीं है, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल से कोई केस रिलेटेड नहीं है, इसलिए उनका वो लोग चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट इनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, अगर आपको कोई नॉलेज है इस बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिससे बाकी बच्चों को भी मदद मिल सके।